लोकसभा में रफेल मुद्दे पर नियम 193 तहत चर्चा हुई। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत विपक्षी दलों के सांसदों ने केंद्र सरकार पर पुरानी डील को रद्द करने और ज्यादा कीमत में विमान खरीदने का आरोप लगाया और इसकी जांच के लिए जेपीसी बनाने की मांग की। लोकसभा में रफेल सौदे पर बहस में हिस्सा लेते हुए राहुल गांधी ने रफेल की पुरानी डील को रद्द करने के पीछे सरकार की मंशा पर सवाल उठाया। Did the Air Force change their demand for the number of planes? Or did you unilaterally, without asking the Air Force, change this demand? Why did the price go from 526 crores to 1600 crores? दूसरे दलों के सांसदों ने भी चर्चा में हिस्सा लेते हुए रफेल सौदे की प्रक्रिया, कीमत और जेपीसी जांच की मांग की। Why 1670 crores instead of 526 crores? Why 36 jets in place of 126 jets? Why not you gave a fresh discussion with Eurofighter? We would have a capacity to manufacture these planes for the future. This, madam, has been sorely let gone off by the current NDA government. And if the difference of pricing is not enough to justify it, then I think the government should come up with a white paper as to why technology transfer was not given. वो लड़ रहा है, उसको जिस जे है राजनीतिक दल, हम सरकार है, किसी भी सरकार होने दो, उसका एक काम था कि वो जब जरूरत बोल रहे हैं कि हमें चाहिए, हम दे नहीं पा रहे, वक्त पे दे नहीं रहे पा रहे। He paid for 36 aircraft is about 60,000 crores, madam. It is nearly 2.5 times what the government states in parliament. So I would like the honourable defence minister to explain the discrepancy and how come you are paying more than 2.5 times for Rafale. बेंचमार्क प्राइस ठीक करना था, उसके बाद बाकी नेगोशिएशन होते, लेकिन प्रधानमंत्री जी पहले ही घोषणा कर दिए बेंचमार्क प्राइस करने से पहले। कहना चाहता हूं कि कोर्ट, ये डिफेंस का मामला होने की वजह से वो सही फोरम नहीं है चर्चा करने के लिए, क्योंकि ये डिफेंस का मामला है, वहां चर्चा नहीं हो सकती। इसका सही फोरम अध्यक्ष जी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है। सदन में गतिरोध के चलते चर्चा पूरी नहीं हो पाई और संसद की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी।